हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 25 मई 2023 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग, आईपीएल के प्लेऑफ और एलिमिनेटर मुकाबला जो हमें देखने को मिला था उसके रिगार्डिंग भी और भारतीय टीम को लेकर भी दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है कल हुए एलिमिनेटर मुकाबले के रिगार्डिंग, जहां पर कल हमें मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में एलिमिनेटर मुकाबला देखने को मिला था। और इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने काफ़ी ज़्यादा आसानी से एलएचजी की टीम को बीट कर दिया। हालांकि एमआई की बैटिंग को देखकर ऐसा लगा था कि ये एक बैटिंग सरफेस है और एलएचजी के पास जिस तरीके का मिडल ऑर्डर है उसको देखते हुए लग रहा था कि शायद एलएचजी की टीम इसको चेस डाउन कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से एमआई ने गेंदबाजी की, खासकर आकाश मधवाल जिन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, उसके बाद मुंबई इंडियंस ने नॉकआउट कर दिया एलएचजी की टीम को, जिसके बाद अब एमआई की टीम का क्वालिफायर मुकाबला होने वाला है जो कि क्वालिफायर 2 होगा गुजरात टाइटन्स के खिलाफ। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो आईपीएल का फाइनल खेलेगी। कॉमेंट करके आप लोग बताना आप लोगों के हिसाब से आईपीएल 2023 का फाइनल कौन कौन सी टीमें खेलने वाली है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की साइड से। पूरे आईपीएल के सीजन में एसआरएच के टीम मैनेजमेंट को काफी ज्यादा ट्रॉल किया गया था। यह कहानी अभी की नहीं है बल्कि 2 से 3 साल पहले से ही एसआरएच के जो फैंस है वो काफी ज्यादा ट्रॉल करते हुए आए हैं अपने मैनेजमेंट को, जो कि अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ वाली टीम को प्ले नहीं करते हैं। और अब रिपोर्ट्स आ रही है कि एडन मकरम जो कि इनके कैप्टन थे, जाते जाते उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि मुझे पता ही नहीं है कि टीम में क्या चल रहा है, टीम का जो सिलेक्शन होता है वो मेरे कहने पर नहीं होता है। जिसके बाद यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि एडन मकरम की बातचीत सुनी ही नहीं जा रही है एसआरएच की टीम में, वो जिस प्लेइंग 11 को खिलाना चाहते हैं उसमें का कोई भी योगदान नहीं रहता है। तो ऐसे में इन्हीं सब रिपोर्ट्स के बीच में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिस तरीके से डेविड वार्नर के साथ हुआ था उसी तरीके से एडन मकरम के साथ भी चीज़ें होने वाली हैं। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एडन मकरम एसआरएच की फ्रेंचाइज को छोड़ दें, क्योंकि वो इनके मैनेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस तरीके से ये टीम प्लेयर्स को मैनेज करती है उसको लेकर एडन मकरम बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये निकल कर आ रही है विराट कोहली की साइड से। हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि विराट कोहली निकलने वाले थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन आखिरी मोमेंट पर किसी रीजन के चलते हुए विराट कोहली नहीं निकल पाए और वो 2 दिन लेट पहुंचे हैं इंग्लैंड, जहां पर कल शाम विराट कोहली हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ओवल पहुंचते हुए नजर आए। इससे पहले हालांकि रीजन हमारे सामने निकल कर नहीं आया है कि किस कारण के चलते हुए विराट कोहली इसको छोड़कर गए थे, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली अब फाइनली ओवल पहुंच चुके हैं और अब उनकी लीडरशिप के अंदर आप लोगों को वहां पर जितने भी प्लेयर्स जाएंगे जो कि पहले बैच में जाने वाले हैं वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, लेकिन उससे पहले आईपीएल का जो फाइनल मुकाबला है वो आने वाला है 28 मई को, और 28 मई को जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि गिव अवे के जो बाकी के 10 विनर्स हैं जिनको हम 10 फ्री क्रिकेट बैट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, 28 मई को हम उनके विनर्स के नाम अनाउंस कर देंगे। पहले ही जो 10 विनर्स थे जिनको 10 आईपीएल की जर्सीज गिफ्ट की गई थी उनके विनर्स की अनाउंसमेंट हमने आईपीएल की स्टार्टिंग डेट को की थी, और अब आईपीएल फिनिश हो रहा है तो आपके पास भी मौका है। सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहीं पर हम आपको 28 मई को 10 जो क्रिकेट बैट्स विन करेंगे उनको वहीं पर अनाउंस करने वाले हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि रविंद्र जडेजा की साइड से निकल कर आ रही है। जो सीएसके और जीटी का मुकाबला हुआ था क्वालिफायर 1, उसमें जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की थी और इसके बाद इनको अपस्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला था। उसी फोटो को कोट करते हुए जडेजा ने एक बार फिर से सीएसके के फैंस को ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि आप अपस्टॉक्स को भी पता है कि जडेजा की क्या वैल्यू है, लेकिन सीएसके के फैंस को इस बात की वैल्यू अभी भी नहीं पता कि रविंद्र जडेजा क्या है। तो इनका इशारा फिर से उसी चीज की तरफ था कि सीएसके के फैंस जो कि जडेजा के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, उनको बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते टाइम चीयर नहीं कर पाते, वो एमएसटी को ज़्यादा चीयर करना प्रेफर करते हैं, उनको वापस से जडेजा के द्वारा रिप्लाई किया गया है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, और रिप्लाई की बात चल ही रही है तो एक और रिप्लाई हमें देखने को मिला है रोहित शर्मा की साइड से, जहां पर आज से कुछ दिन पहले हार्दिक पांड्या ने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरह ही गुजरात टाइटन्स की टीम ने अपनी टीम को बिल्ड किया है। एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम है जो कि अपने सुपरस्टार प्लेयर्स के दम पर ट्रॉफी जीतती है, लेकिन दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है जो कि प्लेयर्स को बिल्ड करती है। इसी चीज़ को रिप्लाई करते हुए जियो सिनेमा में दिए गए इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और जसप्रीत बुमराह को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्ड किया, उसी तरीके की सिमिलर स्टोरी हमें तिलक वर्मा, निहाल वधेरा और उनके साथ ही आकाश मधवाल की भी देखने को मिलेगी। मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो सुपर स्टार्स की टीम नहीं है, बल्कि हम जीरो लेवल से प्लेयर्स को बिल्ड करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी प्लेयर आकर मुंबई इंडियंस में परफॉर्म कर लेता है, लेकिन स्काउटिंग से लेकर उनको ग्रूम करने तक
मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालती है। रोहित शर्मा ने इस तरीके से हार्दिक को इनडायरेक्टली रिप्लाई भी किया, जिन्होंने कहा था कि मुंबई की टीम में ऑटोमेटिकली सुपरस्टार प्लेयर्स आते हैं। कमेंट करके आप लोग बताना हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की इस जो फाइट में आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट थोड़ी सी अच्छी अपडेट है जो कि सारे क्रिकेट फैंस को काफ़ी ज़्यादा खुश करेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी आने वाली है और ये एक ऐसा फॉर्मेट और ऐसा मुकाबला है जिसमें हम ऋषभ पंत को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। जब भी क्रंच मुकाबले आते हैं, खासकर अगर हम बात करें टेस्ट फॉर्मेट की, तो ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है जिसको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जाता है। ये हमारे क्लच प्लेयर हैं जो कि काफ़ी एडवर्स सिचुएशन से भी हमें टेस्ट मुकाबले जिताते हुए आए हैं, खासकर जब ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड हो, तब तो ऋषभ पंत कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं। और अब ऋषभ पंत हमें एयरपोर्ट पर नज़र आए हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट पर ये चलते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले ये हेल्प से चल रहे थे, लेकिन अब ऋषभ पंत हमें बिना किसी हेल्प के एयरपोर्ट पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से इनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद जल्दी ही ये हमें टीम में रिटर्न करते हुए भी देखने को मिल जाएं। तो हम भी यही प्रे करते हैं कि ऋषभ पंत जल्दी से जल्दी फिट हो जाएं और वो भारत की टीम में रिटर्न कर लें, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अगर वो आ जाते हैं तो भारतीय टीम को खासा फ़ायदा पहुंचेगा। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट जो कि निकल कर आ रही है नवीनुल हक के रिगार्डिंग। कल का एलिमिनेटर मुकाबला अगर आप लोगों ने देखा हो, तो इसमें नवीनुल हक ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, 4 विकेट इन्होंने लिए थे, और ऐसा लग रहा था कि नवीन की गेंदबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम शायद 10-15 रन शॉर्ट हो सकती है। हालांकि एलएसी की खराब बल्लेबाजी के कारण ये टीम मुकाबला हार गई, लेकिन इसके बावजूद नवीन के साथ वही हुआ जो कि उनके साथ हर क्रिकेट स्टेडियम में होता आया है। विराट कोहली के जो फैंस हैं वो सिर्फ एक स्टेडियम में नहीं है, वो सारे स्टेडियम में हैं। और कल तो हमें ऐसी चीज़ देखने को मिली जो कि काफ़ी हैरान करने वाली थी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सीएसके के फैंस एक दूसरे को काफ़ी कम सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि कल का मुकाबला चेपॉक में हुआ था, तो वो एक सीएसके का ग्राउंड है, वहाँ पर फैंस देखने के लिए आए थे। मुंबई इंडियंस के मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस एमआई की थी, और एमआई के फैंस भी कोहली कोहली चैंट करने लगे काफ़ी ज़्यादा, जिसके बाद नवीनुल हक इससे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आए। और इसके बाद उन्होंने वही किया जो कि वो हर ग्राउंड पर करते हैं, यानी कि उन्होंने इशारा किया कि आप लोग बोलते जाओ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से नवीनुल हक की टीम अब जो है वो एलिमिनेट भी हो चुकी है, तो अब इनको और भी ज़्यादा ट्रॉल किया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है कल के मुकाबले में हुए अंपायरिंग को लेकर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल अंपायरिंग हमें देखने को मिली। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नो बॉल थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसीजन जो था वो 100% श्योर वाला नहीं था, इसके बावजूद भी उस डिसीजन को दिया गया। इसके अलावा कैचिंग को लेकर भी और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी सारी अजीब चीज़ें हमें मुकाबले में देखने को मिली, जिसके बाद एक बार फिर से आईपीएल में जो लो लेवल ऑफ अंपायरिंग हमने इस पूरे सीजन में होते हुए देखी। सनराइजर्स हैदराबाद वाले मुकाबले में भी ये चीज़ हुई थी जब एलएचसी के साथ उनका मैच हुआ था, उसके बाद ये मुकाबला, इसके साथ ही बीच में 4 से 5 मुकाबले और भी ऐसे थे जिसमें काफ़ी ख़राब अंपायरिंग हमें देखने को मिली थी। तो बस अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले मुकाबलों में इस तरीके की खराब अंपायरिंग हमें होते हुए ना देखने को मिले। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।